वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक पालतू कुत्ते के बारे में पढ़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं इस कुत्ते को, जो एक पालतू कुत्ता है और यह इसका मालिक है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कुत्ते को पसंद करते होंगे और कई बच्चे अपने साथ कुत्ते को रखे होंगे और उसके साथ खेलते होंगे। तो इसी तरह से यह एक कहानी है कुत्ते के बारे में। और आप लोग को पता होगा, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो सबसे पहले मनुष्यों का पालतू जानवर बना। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर 7 है, क्लास 3 की इंग्लिश बुक है और इस चैप्टर का नाम है ए डॉग लव्स केक्स, एक कुत्ता जो केक को बहुत पसंद करता है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं हूं दुलार चंदास और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। सेरू ए डॉग लव्स केक्स। सेरू कुत्ते का नाम सेरू है। एक कुत्ता जो केक को बहुत पसंद करता है। व्हेनेवर हिज मास्टर गिव्स हिम केक्स, जब उसका मालिक उसको केक देता है, ही गोबल्स देम अप, वह जल्दी से उसको निगल जाता है, मतलब खा जाता है, जल्दी जल्दी खा जाता है। वन डे हिज मास्टर गिव्स हिम ए बिग स्लाइस ऑफ केक, एक दिन उसके मालिक ने उसको केक का एक बड़ा टुकड़ा दिया। वाई डज ही नॉट ईट, वह उस टुकड़े को क्यों नहीं खाता। तो इस स्टोरी में यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि यह कुत्ता जो इसको केक बहुत पसंद है, उसके मालिक ने उसको केक का एक बड़ा टुकड़ा दिया है, फिर भी वह क्यों नहीं खा रहा। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं। मिस्टर समीर इज एन ओल्ड मैन, श्रीमान समीर एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही लिव्स इन हिज कॉटेज, वह अपने छोटे से घर में रहते हैं। कॉटेज का मतलब छोटा घर होता है। हिज डॉग सेरू इज हिज बेस्ट फ्रेंड, उसका कुत्ता सेरू उसका सबसे बढ़िया दोस्त है। मिस्टर समीर फॉलोज द सेम रूटीन एवरी डे, मिस्टर समीर एक ही दिनचर्या को रोज अपनाते हैं। ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, वह सुबह लेट उठते हैं। ही हैज़ ए वॉश एंड देन ही गोज आउट फॉर ए वॉक, वह अपना हाथ मुंह धोते हैं और फिर सुबह की मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। ही टेक्स हिज डॉग सेरू विथ हिम, वह अपने साथ अपने कुत्ते को सेरू को ले जाता है। एट फर्स्ट ही गोज टू द कॉफी शॉप एट द कॉर्नर, वे सबसे पहले कोने में एक कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे जाते हैं। ही ड्रिंक्स ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड ईट्स ए स्लाइस ऑफ फ्रूट केक, वे सबसे पहले एक कप कॉफ़ी पीते हैं और फिर एक केक का टुकड़ा खाते हैं। द केक इज फॉर 2 रुपीज, वह केक का कीमत 2 रुपया होता है। सेरू सिट्स अंडर हिज चेयर, और सेरू उनके कुर्सी के नीचे बैठा हुआ रहता है। ही गिव्स हिम ए लिटिल केक, वे उनको एक छोटा सा केक दे देते हैं। देन मिस्टर समीर क्रॉसेस द रोड एंड बाय ए न्यूज़पेपर, उसके बाद श्रीमान समीर रोड पार करके एक अखबार खरीदते हैं। ही गिव्स द पेपर टू सेरू, वे अखबार सेरू को दे देते हैं। सेरू होल्ड्स इट सॉफ्टली बिटवीन हिज टीथ एंड कैरीज इट होम, सेरू उस न्यूज़पेपर को अपने दांतों के बीच हल्के से दबा के घर ले जाता है। ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ डूइंग सो, उसको ऐसा करने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही प्राउड महसूस होता है। द लास्ट मंथ मिस्टर समीर फेल इल, पिछले महीना मिस्टर समीर बीमार पड़ गए। ही वॉज अनेबल टू लीव हिज बेड, वे अपने बेड से उठ नहीं पा रहे थे। द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर ने उनसे कहा, यू हैव गॉट द फ्लू, आपको फ्लू हो गया। फ्लू एक बीमारी का नाम है, वे उनके डॉक्टर ने बताया कि आपको फ्लू नाम का बीमारी हो गया है। नाउ मिस्टर समीर कुड नॉट गो आउट टू गेट हिज डेली न्यूज़पेपर, अब जो है श्रीमान समीर बाहर न्यूज़पेपर लेने के लिए नहीं जा पाते थे। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उन्होंने एक उपाय सोचा। ही गेव ए 2 रुपी कॉइन टू सेरू, वे 2 रुपये का सिक्का सेरू को दे दिए। सेरू वेंट फॉर द न्यूज़पेपर वेरी फास्ट एंड कम बैक विथ इट इन हिज माउथ, सेरू न्यूज़पेपर के लिए गया और बहुत जल्दी ही अपने मुंह में न्यूज़पेपर वापस लेकर आ गया। आफ्टर ए वीक मिस्टर समीर वेंट आउट, एक सप्ताह के बाद श्रीमान समीर बाहर गए। द न्यूज़पेपर मैन टोल्ड हिम, न्यूज़पेपर वाले व्यक्ति ने उनको बतलाया, योर डॉग टुक 7 न्यूज़पेपर्स
एंड डिड नॉट ब्रिंग एनी मनी, आपके कुत्ते ने साथ न्यूज़पेपर ले गया और कोई भी पैसा नहीं दिया। मिस्टर समीर वाज सरप्राइज्ड, मिस्टर समीर को आश्चर्य हुआ। व्हाट डिड शेरू डू विथ दोज क्वाइंस, आखिर शेरू ने उन सिक्कों को क्या किया जो मैंने उसे दिया था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेव शेरू ए 2 रुपी क्वाइन, अगले सुबह उन्होंने शेरू को 2 रुपये का सिक्का दिया। द डॉग डैश्ड आउट, कुत्ता भाग कर बाहर गया। हिज मास्टर फॉलोड हिम, और उसके मालिक ने उसका पीछा किया। द डॉग वेंट टू द कॉफी शॉप, कुत्ता कॉफी शॉप में गया। ही पुट द क्वाइन ऑन द काउंटर एंड गोट ए पीस ऑफ फ्रूट केक एंड गोबल्ड इट अप, उसने सिक्के को लेकर कॉफी शॉप के काउंटर में दे दिया और उसे एक केक दे दिया गया। उसे एक केक मिल गया और वह तुरंत ही केक को खा गया। नॉटी डॉग, सेड मिस्टर समीर टू हिमसेल्फ, नटखट कुत्ता, मिस्टर समीर ने अपने आप से कहा। शेरू हियर्ड हिज मास्टर्स वॉइस, शेरू ने अपने मालिक की आवाज़ को सुन लिया। ही केम टू मिस्टर समीर हंग हिज हैड इन सैम, वह मिस्टर समीर के पास आया और अपना सिर शर्म से झुका दिया। मिस्टर समीर पेटेड हिज डॉग शेरू एंड सेड, मिस्टर समीर ने अपने कुत्ते को थपथपाया, हाथ फेरा और कहा, डोंट डू दिस अगेन, ऐसा फिर से मत करना। नाउ शेरू डज नॉट इवन लुक एट द कॉफी शॉप, अब से शेरू कॉफी शॉप की तरफ देखता भी नहीं था। व्हेन हिज मास्टर गोज देयर ही सिट्स आउटसाइड एंड वैग्स हिज टेल, जब उसका मालिक वहाँ जाता था तो वह दूसरी ओर बैठ जाता था और अपने पूंछ को हिलाता रहता था। मिस्टर समीर टेल्स हिम यू आर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड, श्रीमान समीर उससे कहता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे कुत्ते हो। देन ही फील्स प्राइड एंड जॉय, तब उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है और वह खुश हो जाता है। हिज फेस सीम्स टू ग्लो, ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा चमक रहा हो। और यहाँ पे चैप्टर 7 समाप्त हो जाता है। और आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है और इसमें एक इसके क्वेश्चन आंसर है। 1 नंबर में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, 2 नंबर में फिल इन द गैप्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, 3 नंबर में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, 4 नंबर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके आगे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में हम लोग देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है। 6 नंबर में देखिए यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है और 7 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिया हुआ है इस तरह से। तो आइए मैं आप लोगों को जो इसमें इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आइए मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु इज मिस्टर समीर्स बेस्ट फ्रेंड, शेरू इज मिस्टर समीर्स बेस्ट फ्रेंड, व्हेन डज मिस्टर समीर गेट्स अप इन द मॉर्निंग, मिस्टर समीर गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, हु गोज आउट फॉर ए वॉक विथ मिस्टर समीर, शेरू हिज डॉग गोज आउट फॉर ए वॉक विथ मिस्टर समीर, व्हेन मिस्टर समीर ड्रिंक्स कॉफी व्हाट डज शेरू डू, मिस्टर समीर ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, शेरू सिट्स अंडर हिज चेयर, हु ब्रिंक्स मिस्टर समीर्स न्यूज़पेपर होम, हाउ डज ही ब्रिंग इट, शेरू ब्रिंक्स मिस्टर समीर्स न्यूज़पेपर होम, ही ब्रिंक्स इट विथ द हेल्प ऑफ हिज टीथ, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल मिस्टर समीर, द डॉक्टर टोल्ड मिस्टर समीर दैट ही हैड गॉट द फ्लू, व्हाई डिड मिस्टर समीर गिव ए 2 रुपी क्वाइन टू शेरू, डिड ही गेट द न्यूज़पेपर, मिस्टर समीर गेव ए 2 रुपी क्वाइन टू शेरू टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर एस ही गॉट इट, व्हाट डिड द न्यूज़पेपर मैन टेल मिस्टर समीर, द न्यूज़पेपर मैन टोल्ड मिस्टर समीर दैट हिज डॉग हैड टेकन 7 newspapers एंड नॉट ब्रॉट एनी मनी, हाउ डिड शेरू सो दैट ही वॉज सॉरी, शेरू सो दैट he was sorry by hanging his hat in Sam. What did Mr. Samir do then? Mr. Samir then patted his dog and told not to do it again. Question number 2 fills in the gaps. यहाँ पे इसके आंसर दे दिए गए हैं, आप अपने बुक से क्वेश्चन देखकर उसको भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है, आप अपने बुक से क्वेश्चन देख के उसको ट्रू फॉल्स लगा सकते हैं। 6 नंबर में मैच करने के लिए दिया गया है, इसका डायरेक्ट आंसर मैंने दे दिया है, आप यहाँ पे आंसर देख के आप अपने बुक में मैच कर सकते हैं। और 7 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है,
और यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर दिया गया है, आप इसको देख के अपने बुक में भर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर 7 पूरी तरह समाप्त हो जाता है और हमारे इस वीडियो से आपको पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।